नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत बहुत स्वागत है भाग्य दर्पण में। आज भाग्य दर्पण में हम बात कर रहे हैं आपके अपने सिद्धांतों की। आज हम भाग्य दर्पण में इस दर्पण में देखेंगे एक बहुत आवश्यक चर्चा की बात। चर्चा है क्या? आज जीवन का बहुत बड़ा मूल्य, हमारी जीवन की जो गाड़ी है वो एक जगह टर्न करती है, वो है विवाह। वो है दो आत्माओं का मिलन। बड़ा खर्च होता है, बड़ी व्यवस्थाएं की जाती हैं इसके लिए। माँ बाप कितने दिनों तक तलाश करते हैं वर, और वर वाले वधु। आज तो नेटवर्किंग साइटों के आधार पर बहुत सारी चीजें और भी स्ट्रांग हो गई हैं। आज कहीं ना कहीं कई सारी तरीकों से कई सारे सिस्टम और भी बढ़ चुके हैं, इसके थ्रू हम वर और कन्याओं का चुनाव कर सकते हैं, वर और कन्याओं के बारे में जान सकते हैं। लेकिन क्या आज हम ऐसी स्थिति पे अभी पहुंचे हैं जहां पर वर और कन्या का चुनाव सच में सही हो सके? बहुत सारे केस आए दिन कोर्ट कचहरी में खड़े रहते हैं। क्या है ये? 70% जो महिलाएं हैं, 70% महिलाएं ऐसा बोलती हैं कि गुरुजी हमारा दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं है, पति हमारा ध्यान नहीं देता हम पे, पत्नी हमसे प्रेम नहीं करती ठीक से, हमारे सास ससुर हमें बहुत परेशान करते हैं, बहू हमारी ठीक नहीं है। बोथ साइड से बहुत सारे कन्वर्सेशन ऐसे आते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम है कहां। हम लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं आज विवाह में। इवन मैंने खुद भी देखा है लाखों रुपए लुटाते हुए लोगों को, बैंडबाजी में, आतिथ्यबाजी में, भ्रमण में, डांस में, म्यूजिक में, बहुत सारे ऐसे काम जिनमें धन ठीक से खर्च किया जाता है। दो चार कमियां हैं, उनको आप अभी से ठीक करना प्रारंभ करें। दो आत्माओं का जो समुचित मेल है वो विवाह कराने वाला वो आचार्य है जो आपके घर आता है। एक तो उसका बड़ा सम्मान कीजिए, क्योंकि बैंड बाजा दो आत्माओं को एक नहीं करेगा। जितने लोगों को आप भोजन करा रहे हैं वो एक नहीं करेंगे। जो भी आपने खर्च कर दिया वो कुछ भी काम आने वाला नहीं है। पंडाल, टेंट, खिलाना पिलाना, नाचना गाना, घूमना, भ्रमण करना, आतिशबाजी करना, बहुत सारे काम, वो कोई भी काम आपके दो आत्माओं का मेल का साक्षी नहीं बन सकते, सिवाय उन वेद मंत्रों के, सिवाय उस अग्नि के, सिवाय उस अग्नि के फेरे के। क्यों नहीं एक बजट बनाते आप? क्यों नहीं ऐसा कुछ व्यवस्था करते आप कि हम अपनी बिटिया का या अपने पुत्र का विवाह कर रहे हैं उसमें अच्छा आचार रखेंगे, विधि पूर्वक विवाह करेंगे, उसमें संशोधन नहीं करेंगे। बैंड तो हमें शहर का सबसे टॉप चाहिए, क्योंकि इज्जत सम्मान की बात है। पंडाल तो बड़ा सा लगना चाहिए, तो भाई क्यों नहीं आचार्य अच्छा क्यों नहीं, बढ़िया वैदिक मंत्र उच्चारण करने वाला क्यों नहीं। क्यों हम उसे 100-150 रुपए के लिए, अरे बाद में ले लीजिएगा और ठीक है, और आप बार बार क्यों चढ़वा रहे हैं? कितना और क्यों? एक विधि है, एक विधा है, एक सिस्टम है, चलने दीजिए ना उसको। प्रयास कीजिए अध्यात्म में मन लगे आपका, प्रयास कीजिए कि आपका जो चिंतन है वो भगवत कृपा के आधार पर चले, जीवन सुखमय होगा। कुंडली मेलापक में क्यों आप संशोधन करते हैं? क्यों संकल्प में विकल्प की आवश्यकता है आपको? इस नाम से नहीं बन रहा तो इससे बना लीजिए। कुंडली ठीक नहीं मैच कर रही तो थोड़ा टाइम इधर उधर कर लीजिए। मंगली है तो उसका पूजा करा लीजिए। क्यों जी, यू टर्न नहीं है इस मोड़ में। क्यों अपने बच्चों का जीवन? हमारे पास अभी थोड़े दिन पहले एक सज्जन आए, नाम नहीं बताऊंगा मैं, उन्होंने दोनों की कुंडली दिखाई। मैंने कहा विवाह नहीं हो सकता। बोले बहुत सारे ज्योतिषियों ने कहा हो सकता है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब से ये विवाह नहीं चल सकता, ये होगा नहीं विवाह। वो पिता जानते थे कि उनकी पुत्री मांगलिक नहीं है और पुत्र मांगलिक है,
जिस लड़के से विवाह कर रहे हैं उसका सप्तमेश पूरी तरह से बाधित है, तलाक होने के 100% चांस हैं, लेकिन केवल इस बात पे किए दे रहे हैं कि लड़का बहुत अच्छा है, बाहर से पढ़ के आया, बड़ा संपत्तिवान है, इकलौता लड़का है, इस बात पे किए दे रहे हैं। क्यों ऐसा करते हैं? हम जान बूझ के क्यों गड्ढे में कूदते हैं? उनके परिवार में किसी को पता नहीं, केवल उनके कि ऐसी स्थिति है। अंतोप गत्वा, लास्ट में हुआ वही जो ग्रह चाहते थे, बच गई वो बिटिया, उसका विवाह नहीं हुआ वहां पे, सामने वालों से धन ज्यादा मांगा गया जिस कारण से वो विवाह हुआ ही नहीं। लेकिन आप स्थिति देखिए कि सब कुछ तय हो गया, सारी चीजें अरेंजमेंट हो गई, सारी चीजें बन गई, दोनों बच्चे आपस में बात करने लगे। क्यों हम मानसिकताओं से खेलते हैं? क्यों हम एक्सपेरिमेंट करते हैं इन रिश्तों पर? हम खुद भी दोषी हैं उतने ही जितने ग्रह दोषी हैं। हमारे कर्म ही हमारे ग्रहों के फल के स्वरूप में हमको मिलते हैं। अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, पॉजिटिव रहिए। जिसके प्रारब्ध में अच्छा लिखा है ना, अगर उसे करोड़पति होना है, सामान्य लड़के से विवाह करने के बाद भी वो करोड़पति हो जाएगी, और खाकपति होना है तो करोड़पति यहाँ कराओगे उसके बाद भी वो खाकपति हो जाएगी। एक चीज देखिए, कुंडली बढ़िया मैच हो, कोई संशोधन नहीं चाहिए, बढ़िया लड़का हो, समझदार हो और शिक्षित हो, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रत्वाम, पात्रत्वा धमनाप्नोति धनाधनम तथा सुखम। विद्या से विनय, विनय से योग्यता, योग्यता से धन, धन से सुख मिलता है। ये क्रम है, ये सोपान है, ये सीढ़ी है, स्टेप्स है, स्टेयर्स है। अगर शिक्षित है सही से तो वो धनवान तो हो ही जाएगा, प्रयास कीजिए। सप्तमेश बाधित नहीं होना चाहिए, हाथ से बताता हूँ, जल्दी समझ लीजिए। छोटी वाली उंगली के ठीक नीचे के पोर्शन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अक्सर हम जानते हैं विवाह की लाइन होती, सबको मालूम है बात। प्राय लोग ऐसे ही हाथ देख के बताते भी हैं, तुम्हारी दो शादियां, तुम्हारी चार शादियां, तुम्हारा विवाह होगा, तुम्हारा ये होगा, ऐसे मस्ती करते हैं आपस में। ये लाइन अगर बहुत ज्यादा हाथ की तरफ अग्रसर हो रही हो, ध्यान से समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। ये लाइन अगर हाथ की तरफ अग्रसर हो रही हो, जितना ज्यादा ऊपर बढ़ रही हो, उतना ज्यादा आपका दाम्पत्य जीवन खराब रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, और विलंब से विवाह होगा, चाहे इतना परेशान हो लें आपके माँ बाप। अगर ये लाइन सामान्य है, बिल्कुल अपनी बहुत ज्यादा हाइट नहीं, बहुत लंबी नहीं, बहुत गाढ़ी नहीं, बहुत डार्क नहीं है, तो आप सामान्य विवाह होगा, टाइम से विवाह होगा, अच्छा पति मिलेगा, सही जीवन साथी होगा, समझने वाला होगा। विवाह केवल विवाह नहीं है, विवाह केवल स्टेटस सिंबल नहीं है, विवाह दो आत्माओं का मिलन है, विवाह बहुत बहुत बड़ा कार्य है, जीवन साथी है, अर्धांगी है वो, आधा शरीर है उसका। केवल धन नहीं, सुख ढूंढिए अपने बच्चों का। चलिए, ये चर्चा सिर्फ हमने इसलिए की, शायद हमारी बात किसी किसी को समझ में आ जाए, जितनों के समझ में आ जाएगी मुझे लगेगा शायद हमने उनको ठीक कर दिया। क्योंकि क्या फायदा उस यू टर्न के बाद, जिसके बाद कोई कुछ नहीं कर पाता। तौबा कीजिए, मत कीजिए ऐसा कुछ काम जिससे हृदय कुंठित हो, हृदय द्रवित हो, जिस कार्य से कष्ट हो, ऐसा काम मत कीजिए। रुद्राक्ष, गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करने से ऐसी स्थितियां समाप्त होती हैं, कुंवारेपन में भी। हाँ, गौरी शंकर की मूर्ति की पूजा करने से सावन में गौरी शंकर यानी आधा शरीर मैया पार्वती का, आधा शरीर भगवान शिव का हो, उस पर पंचामृत चढ़ाने से भी ऐसी स्थिति से दूर रहते हैं बच्चे। तो बच्चों, आप करिए उपासना, आप रहिए प्रसन्न और आनंदित, भगवान शंकर आपके जीवन में प्रसन्नता लाएं। सावन के महीने में उपासना 100 गुना काम करती है, तो करिए उपासना और रहिए आनंदित और प्रसन्न। ध्यान दीजिएगा, भगवान शंकर की जो अर्घा है वो पार्वती है और ऊपर के शिवलिंग भगवान शिव है, तो हो गए ना अर्धनारेश्वर। कीजिए उपासना और रहिए आनंदित। आज बस इतना ही, आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आप भगवान शंकर के साथ आनंद कीजिए, भगवान शिव आपके जीवन में प्रसन्नता लाए। तो चलिए, आज बस इतना ही, कल पुनः आपसे मुलाकात होगी, कल फिर से कुछ ज्ञान चर्चा करेंगे, कल से फिर कुछ अच्छी बातें करेंगे, कुछ मौलिक, कुछ बौद्धिक चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, ओम नमः शिवाय।